सर नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, स्वागत करता हूँ आपको प्लस 24/7 में। तो जैसा कि आपको पता है कि अभी सबसे ज़्यादा जो मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं, सर वर्ग दो की नोटिफिकेशन कब जारी हो रही है, वर्ग दो की नोटिफिकेशन के बारे में सबसे ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि वर्ग दो की नोटिफिकेशन को लेकर के अभी लेट क्यों हो रहा है। चूँकि आपको पता है एक बहुत बड़ी वैकेंसी, यदि पटवारी की वैकेंसी कहा जाए तो पटवारी की वैकेंसी को लेकर के ESB पे बहुत ज़्यादा आवाज़ उठे हैं, क्योंकि उसने जो पटवारी की वैकेंसी में धोखाधड़ी हुआ था, आपको भी पता है, जो घूस वाला मामला आया था, मतलब फर्जीवाड़ा का मामला आया था 10 लाख 15 लाख देने वाला, तो इसके वजह से जो एजेंसी है उस पर जो है तो बहुत ज़्यादा सवाल उठे थे। इसकी वजह से एजेंसी को शायद हटा दिया गया था, दूसरी एजेंसी हायर की गई है, इसलिए थोड़ा लेट हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि अब वर्ग दो का नोटिफिकेशन नहीं आएगा, जो तैयारी कर रहे हैं प्रॉपर वर्ग दो की तैयारी करते रहें, क्योंकि माइट बी पॉसिबल कि आपके 15 या 20 तक में नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। फिर एक ये भी है कि सर क्या इस टाइम पे पेपर हो सकती है, क्योंकि आचार संहिता लगने के बाद पेपर होना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए आपको बताना चाहूँ कि जो राज्य सेवा की परीक्षा होने वाली है उसके लिए अभी परमिशन ले लिया गया है, तो इसलिए इसके लिए भी परमिशन लिया जा सकता है और कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि गवर्नमेंट कराना चाहेगी तो एग्ज़ाम हो सकती है, ठीक है, उस टाइम पर भी। तो फिलहाल दो जो बड़े एग्ज़ाम हैं, एक जैसे यदि कहा जाए तो वर्ग दो का नोटिफिकेशन के जारी होना, वर्ग तीन का भी एग्ज़ाम होना है, और इसके अलावा MPSI, तो MPSI का भी नोटिफिकेशन कभी भी जारी हो सकता है। इसलिए ज़्यादा बेटर होगा कि आप लोग अपनी तैयारियां बनाए रखें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना अपने तैयारी पे फोकस करें। और अधिक जानकारी के लिए आपको जो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें टेलीग्राम लिंक दिया गया है, उस पर आप ज्वाइन करिए, अपना पर्सनल क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो जो भी आपको फ़िलहाल नेक्स्ट अपडेट मिलती है मेरे को, मैं आप तक ज़रूर पहुँचाने की कोशिश करूँगा। फ़िलहाल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।